अगले गेम लेकर चले गंगाधर, उसे हल्के हाथों से खेल दिए बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन मोनो के पल्ले से पहला कड़कड़ाता हुआ चौका, ये शायद इनको। और अभी तो हम अगले गेम लेकर चले चंदन, उसे हल्के हाथों से खेल दिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, रन आउट मोनो हो गए। पहला झटका लगता हुआ चांदपुर को मोनो के रूप में, पांच रन के अर्चन गंगाधर की अगली गेंद और नेक्स्ट गेंद और इसको निकाल दिया। और फिर मोकलपुर की फील्डिंग, सारे 11 फील्डर में से 9 कैच ही है, एक दो से हवा की तरह। फिर चार रन अपना दूसरा ओवर लेकर आया रामानंद, और उसको जानू आप साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बाल और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। भैया आप सामने से अगली गेंद लेकर चलो रामानंद, उसे हल्के हाथों से आप साइड में खेल दो। और रामानंद लेकर चले कृष्णा के लिए, उसे हल्के हाथों से खेल दो। चार रन इस चौके के प्राय, रामानंद लेकर चलो उसे हल्के हाथों से खिलाड़ी राइट हैंड लेकर चले उसे लेग साइड में खेल दो, लेकिन रन आउट का चांस, लेकिन मिस फील्ड। 81 रन जीत के लिए चाहिए चांदपुर को, और करारा साथ चार रन चंदन के पल्ले से निकलता हुआ। और दो ओवर के समाप्ति पर 18 रन, नए गुड मैच गंगाधर को खेलने के लिए तैयार छोटे कद के खिलाड़ी मार्गो, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अगली गेंद लेकर चले गंगाधर, फिर एक बार छत्तीस रन स्कोर। अगली गेंद लेकर चले फुल चार्ज गेंद और लगातार चौका, अब 100 रुपए दिए जाएंगे यदि ये चौके लगाते हैं तो, और शायद इनके 100 रुपए बच गए। चले गंगाधर से हल्के हाथों से खेल दिए चार रन। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बस लघु कार्यकर्ताओं को भेज के तीसरा ओवर प्रगति पर, गंगाधर काफी महंगे साबित हो रहे हैं छोटे कद के खिलाड़ी। जानो करारा प्रहार कर रहे हैं, अगली गेंद लेकर चले जानो, उसको ऑफसाइड खेलना चाहते थे लेकिन बाल और बल्ले से कोई संपर्क। अगली गेंद लेकर चले उसे राइट हम छोटे कदमों की से खेल दे हो रही है। हाँ अभी बॉलर में मिला तीसरा की अगली गेंद, ओ सीधा कवर में गेंद मार बैठे हैं फील्डर के हाथ पर तैयार। अगली गेंद बैट्समैन सुजीत यादव है क्या? आप लोगों को ये गेंद के बाद हम एक रोचक तथ्य बताने, राम आशीष यादव का ये लाइव चैनल है दिखाते हैं, ये अगली गेंद और सीधा बाउंड्री के बाहर। चार रनों के लिए चांदपुर का बढ़ता 42 रन, चांदपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। ओ वाह लगता है अनथा मल्ली अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद, स्लो गेंद, ओवर गेंद इनको बाउंड्री पार भेजना होगा। अगली गेंद ओवर बहुत अच्छी फील्डिंग, कवर लेकर के फिर कवर की दिशा में खेल दिए, फिर चुस्त फील्डिंग और उसी रन से संतोष करना पड़ेगा चांदपुर टीम को। बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 3 विकेट, जानू उनकी अगली गेंद जानू के लिए, और इसको निकालना चाहते थे लेग साइड में लेकिन गेंद सीधा पैर पे लगी, लेग बाई के रूप में एक रन। बढ़ता हुआ स्कोर 46 से बढ़ते हैं, अगली गेंद ओ
अगली गेट इनके के लिए, और हम इनको बचपन से इनके साथ खेलते आ रहे हैं, हम इनको अनंतु की अगली गेट पीछे के लिए, और बहुत अच्छी गेट, फिर चार रन और कमें ठीक अगली गेट, और भैया अगली गेट बैट्समैन के लिए, जानू के लिए, और इनका जो चार रन हो चार ठीक है दोनों कमें अगली गेट बैट्समैन के लिए, और आराम से एक रन होता हुआ नहीं इस कितना हुआ 59 रन बाई के रूप में चार रन, हमको मालूम है वो बाई चार रन 64 रन एक गेट से 17 रन चाहिए और विकेट हो गया, चांदपुर की टीम 16 रनों से हार गई, 16 रन 16 रनों के भारी भरकम।